बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इन दोनों चरणों में पार्टी के पास 46 सीटें हैं। इन सीटों पर सिटिंग उम्मीदवारों में लगभग सभी के नाम पर एक बार फिर से पार्टी सीईसी ने मोहर लगा दी है। संवाददाता प्रीत किरण ने बिहार के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख अविनाश पांडे से विशेष बातचीत की। राजस्थान के पूर्व प्रभारी और बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मेरे साथ अविनाश पांडे, उनसे बात करते हैं। सर, बिहार की जिम्मेदारी आपको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया, जिस तरीके से बीजेपी के गठबंधन में कहीं ना कहीं जो अब सेंध लगी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए ये छानबीन समिति स्क्रीनिंग कमेटी का अपॉइंट हुआ है। इसमें मेरे साथ दो सदस्य भी हैं और पिछले एक महीने में बिहार के अधिकांश सभी शीर्ष नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, वहाँ के हमारे इलेक्शन कमेटी के सदस्यों से हर एक से चर्चा हुई और वहाँ पर किस प्रकार से बेहतर हमारे सशक्त उम्मीदवारों को वहाँ पर पेश कर सकते हैं, जो जनता की सही तरीके से सेवा करें और उनका विश्वास हासिल कर अपने विजय हासिल करें, उसकी प्रक्रिया शुरू है। पहले चरण के लिए जो 21 सीटों का जो कांग्रेस लड़ने जा रही है, उनके संबंध में आज उसकी सूची भी जाहिर कर दी जाएगी और बचे हुए जो संख्या है उसके लिए बैठकें शुरू हैं और बहुत जल्द ही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें इन सभी सदस्यों के बारे में, उन उम्मीदवारों के बारे में जिनको वहाँ पर चयन करना है, उनका चयन बहुत जल्दी ही उसके बारे में पूरा हो जाएगा। सर, आप पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और एक आपके महागठबंधन से वीआईपी जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक दल बोला जा रहा था, वो उसने जो है जाकर के अब एनडीए ज्वाइन कर लिया है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या आप संतुष्ट नहीं कर पाए? बातचीत में कहाँ कमी रह पाई? देखिए, ये अवसरवादिता आज की राजनीति का एक गिरते हुए स्तर का एक नतीजा है। वीआईपी पार्टी के साथ में क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष उनके साथ में सतत संपर्क में थे और पूरी सहमति के बाद ही वहाँ उपस्थित हुए थे, उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए कोई वक्तव्य करना उचित नहीं होगा। लेकिन बेहतर होगा कि हम जो हमारे गठबंधन में जो दल साथ में हैं, उन दलों के साथ में मिलकर हम पूरी मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे और नीतीश कुमार जी की 15 साल की जो कुशासन है उससे बिहार की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। एक अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार के चेहरे पे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ रही, क्या मानते हैं इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति है कुछ पार्टियों को अलग करके जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद हासिल कर पाए? देखिए, बीजेपी का ये सपना पूरा नहीं होगा। निश्चित रूप से महागठबंधन की विजय होगी, भारी बहुमतों से होगी और बिहार में एक नई सशक्त और स्वस्थ सरकार हम देंगे, जो कि स्थिरता से पूरे 5 साल बिहार की जनता की सेवा करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आश्वस्त हैं अविनाश पांडे स्क्रीनिंग कमेटी की के हेड करने के नाते, जिस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ये मान रहे कि सफल हो रही है। हालांकि बीजेपी ने भरपूर जो है स्ट्रैटेजी बनाई है कि महागठबंधन किसी भी सूरत में सरकार ना बना सके, वोट ना हासिल कर पाए, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री ना बन पाए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV के लिए दिल्ली से।